Everyone, in this video I am going to talk about the introductory part of psychology, which is the first chapter science of psychology. Basically यह वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके रहने वाला है, आप कह सकते हैं इंग्लिश में रहने वाला है. तो पहले चैप्टर में हम समझेंगे गोल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, पर्सपेक्टिव्स क्या क्या है साइकोलॉजी में, इन सही चीज़ों को समझेंगे हम. तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये पहला चैप्टर है साइंस ऑफ साइकोलॉजी में, इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे. सबसे पहले डिफिनीशन और गोल ऑफ साइकोलॉजी, उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म क्या होता है, उसके बाद जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म क्या होता है इसको समझेंगे, फिर कुछ मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स को समझेंगे जो कि 20वीं सेंचुरीज के बाद हुई हैं, स्किनर, मैस्लो और रॉजर्स के पर्सपेक्टिव को समझेंगे, और लास्ट में साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और अदर प्रोफेशनल्स, मीन साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल्स कौन कौन से हैं उसे हम समझेंगे, उसको उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं इसको जानेंगे. तो चलिए, व्हाट इज साइकोलॉजी, द फर्स्ट साइकोलॉजी क्या है. साइकोलॉजी जो है एक साइंटिफिक स्टडी है आपके बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस का. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. अगर आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो साइकोलॉजी की एक आपको अच्छी डिफिनेशन जो है हमेशा आपके दिमाग में रहनी चाहिए. रटी हुई चीज़ें नहीं, कॉन्सेप्ट आपको समझना है. ठीक, तो साइकोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी है. व्हाट इज साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी वो होता है जो एक ऐसी स्टडी हो जो रिलायबल हो, वैलिडिटी हो, मीन्स कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, जो कि करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो. ठीक, तो साइंटिफिक स्टडी ये हो गया. अब बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर बेसिकली एक हमारे अंदर की बिहेवियर है, एक हमारे बाहर का बिहेवियर है, जिसे हम आउटवर्ड और ओवर्ड एक्शन बोलते हैं. आउटवर्ड और ओवर्ड एक्शन एंड रिएक्शन, हम एक्शन क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं अपने अंदर के बिहेवियर और बाहर के बिहेवियर में, दैट इज बिहेवियर. ओके, एक्शन को ही हम बिहेवियर बोलते हैं. ओके, और इसी में एक वर्ड और है, मेंटल प्रोसेस. अब मेंटल प्रोसेस क्या है, मीन्स हमारे इंटरनल कोवर्ट एक्टिविटी ऑफ आवर माइंड, हमारे दिमाग में जो एक प्रोसेसिंग चलती है चीज़ों की, जो हमारे इंफॉर्मेशन आते हैं इंटरनल माइंड में, दैट इज मेंटल प्रोसेस. तो इफ वी एकोमुलेट दीज थ्री टर्म, साइंटिफिक स्टडी, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, तो साइकोलॉजी की डिफिनेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी. साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, दैट इज साइकोलॉजी. ओके, साइकोलॉजी इज ए साइंस. साइकोलॉजी बेसिकली एक साइंस है. कैसे साइंस है, आप डिफिनेशन में ही देख सकते हैं, दैट इज साइंटिफिक स्टडी. इट मीन्स इसका कोई ना कोई रिलेशन जो है साइंस से है. साइकोलॉजी एक साइंस है. एज ए साइंस कैसे हम इसको देखते हैं, देखते हैं, प्रिवेंट पॉसिबल बायस फ्रॉम लीडिंग टू फॉल्ट ऑब्जर्वेशन. जैसे मैंने आपको पहले बताया, साइंटिफिक स्टडी क्या होता है, जिसमें आपके बायसेस ना हो. बायस मीन्स कि आप उसके साथ सेल्फिश ना हो, आप अपनापन ना दिखाएं उस ऑब्जर्वेशन के साथ, दैट इज द बायसनेस. तो हमें बायसनेस से बचना है और फॉल्ट ऑब्जर्वेशन से बचना है साइकोलॉजी में. प्रिसाइज एंड केयरफुल मेजरमेंट, प्रिसाइज और हमें पूरी सावधानी के साथ मेजरमेंट करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई एरर आने की संभावना कम से कम हो. तो दैट इज ए साइंटिफिक स्टडी एंड साइकोलॉजी एज ए साइंस. ओके, सो फोर गोल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के चार गोल होते हैं. सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन, मीन्स हम साइकोलॉजी में सबसे पहले जानते हैं क्या हुआ है. किसी भी साइकोलॉजिकल एनालिसिस में या फिर सर्वे में या फिर एक्सपेरिमेंट में हम पहले जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज हैपनिंग, मीन्स डिस्क्रिप्शन. उसके बाद एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज हैपनिंग के बाद व्हाई इज इट हैपनिंग, मीन्स क्यों वह हुआ है, उसके पीछे थियोरी क्या है. जनरल एक्सप्लेनेशन हम तैयार करते हैं कुछ फैक्ट, कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे. उसके बाद तीसरा है प्रेडिक्शन, उसके बाद हम प्रेडिक्ट करते हैं कि यह जो हुआ वह दोबारा कब होगा, विल इट हैपन अगेन, कब होगा या होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम जब प्रेडिक्ट करते हैं. तो हमारा थर्ड गोल है प्रेडिक्शन. चौथा गोल है कंट्रोल, हाउ कैन इट बी चेंज. ठीक, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. तो फोर्थ गोल ऑफ साइकोलॉजी, दीज आर द फोर गोल ऑफ साइकोलॉजी, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल. सो इसे आप नोट कर लीजिए. यू शुड मेक ए शॉर्ट नोट ऑलवेज वेन एवर यू रीड ए बुक और सीइंग एनी वीडियो. ओके, सो नेक्स्ट टॉक अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म.
सो व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म? स्ट्रक्चरलिज्म जो है एक पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी में, ठीक, तो जिसका मेन फोकस होता है हमारे बेसिक, ठीक, एलिमेंट ऑफ माइंड के बेसिक एलिमेंट, ठीक, जैसे हमारा सेंसेशन हो गया, परसेप्शन, मतलब एकदम बेसिक एलिमेंट पे, जिस पर फोकस ऑन स्ट्रक्चर और बेसिक एलिमेंट ऑफ माइंड, हमारे माइंड के बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक एलिमेंट पे फोकस होता है स्ट्रक्चरलिज्म का। यू शुड नोट इट, ओके। दिस इज प्रपोज्ड बाय विलियम वुंड्स इन जर्मनी 1879 एंड डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन। अभी ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन इज प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिवली एग्जामाइन एंड मेजर वन थॉट एंड मेंटल एक्टिविटी। मीन्स यह एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्जेक्टिवली एग्जामाइन करते हैं, मेजर करते हैं किसी एक थॉट और मेंटल एक्टिविटी को, ओके। एंड एडवर्ड टिटचेनर, एडवर्ड टिटचेनर कौन थे? ये विलियम हुंड्स के जो है स्टूडेंट थे जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को ब्रॉड किया अमेरिका में, ओके। एंड नेक्स्ट मार्गरेट वसबर्न, ये कौन था? ये टिटचेनर के स्टूडेंट थे, ठीक, ये वुमेन थी जिन्होंने पीएचडी डिग्री लिया साइकोलॉजी में, पहली ऐसी वुमेन थी, ओके। सो दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, स्ट्रक्चरलिज्म फोकस ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर, ओके, और बेसिक एलिमेंट ऑफ माइंड, ठीक, जिसमें जो है एक टेक्निक डेवलप की गई विलियम वुड्स द्वारा, ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन। ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? यह एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑब्जेक्टिवली एग्जामाइन एंड मेजर करते हैं एक थॉट को और मेंटल एक्टिविटी को, ठीक। एंड स्ट्रक्चरलिज्म डाई आउट इन अर्ली 90s। स्ट्रक्चरलिज्म जो है पहले काफी प्रसिद्ध रहा, काफी चला, ठीक, इसकी पर्सपेक्टिव जो है काफी लोगों ने इसे सराहा भी, इसे मतलब काफी जो है इसे प्रसार मिला, ठीक, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म जो है 19 सेंचुरीज के बाद जो है इसका अंत होना शुरू हो गया। उसके बाद शुरू हुआ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म भी एक पर्सपेक्टिव है। फंक्शनलिज्म फोकस करता है हाउ द माइंड अलाउ पीपल टू अडॉप्ट लिव वर्क एंड प्ले। कैसे माइंड जो है लोगों को अलाउ करता है कोई भी काम करने के लिए, खेलने के लिए, रहने के लिए, किसी भी सिचुएशन में एडॉप्टेशन के लिए एडॉप्ट कर लेते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो दैट इज फंक्शनलिज्म, जो कि प्रपोज किया गया था विस द्वारा, इन्फ्लुएंस द मॉडर्न फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ठीक। अब ये जो फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव है, यह मॉडर्न फील्ड के कुछ साइकोलॉजी पर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को भी इन्फ्लुएंस किया, जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी, इवेल्युएशनरी साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ओके। फंक्शनलिज्म आपको समझ आ गया, हाउ द माइंड अलाउ पीपल टू अडॉप्ट लिव वर्क एंड प्ले, ठीक। नेक्स्ट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या होता है? इसे हम गुड फिगर साइकोलॉजी भी कहते हैं। स्टार्ट विद वर्थमर हु स्टडी सेंसेशन एंड परसेप्शन। जब भी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात आएगी तो वहां पे सेंसेशन और परसेप्शन की बात होगी। व्हाट इज सेंसेशन? आप कुछ भी सेंस करते हो, समवन टचिंग यू, यू सेंस इट, ओके। हमारे पास सेंस सेंसरी ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू हम सेंस करते हैं। और परसेप्शन क्या होता है? वी परसीव। हम जैसे परसेप्शन बनाते हैं ना कि भाई वो ऐसा होगा, वेन एवर यू सी समवन, अरे यार ये ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक। वी जब मेकिंग ए परसिवरेंस ट्रेट, ठीक, परसीविंग ट्रेट हम अपने दिमाग में बनाते हैं जिसे हम परसेप्शन बोलते हैं, वी परसीव समथिंग, ओके। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी परस्पेक्टिव में ही बताया गया है, जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि कुछ डॉट्स हैं, एक सर्कल की तरह बनी है, और एक सर्कल है जो कि अधूरा है, बट आप इसे अधूरा सर्कल नहीं बोलेंगे, बट वेन एवर यू सी, जब आप इसे फिगर को देखेंगे कहेंगे यार दो सर्कल है, ठीक। तो आपने एक परसेप्शन डेवलप कर दिया, बट दिस इज नॉट द रियलिटी, तो दैट इज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ओके। गेस्टाल्ट आइडियाज आर नाउ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब जो गेस्टाल्ट इसकी जो आइडिया है, इनकी जो आइडिया है, वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट है, जो कि एक फील्ड है जिसका फोकस सिर्फ परसेप्शन पे नहीं होता है बल्कि लर्निंग, मेमोरी, थॉट प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर भी होता है। मेमोरी क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, ये सब जो है आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसी बुक में, इसी जो सीरीज है इसी में देखेंगे। अब साइको एनालिसिस क्या होता है, चलिए बात करते हैं साइको एनालिसिस की। साइको एनालिसिस क्या है? द थियरी एंड थेरेपी बेस्ड वर्क है सिगमंड फ्रेड का साइको एनालिसिस। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? फ्रेड पेशेंट सफर फ्रॉम
नर्वस नर्व्स डिसऑर्डर विद नो फाउंड फिजिकल काज। ओके, तो जो साइको एनालिसिस है इसमें जो एक जो सिगमंड फ्रेड है उनका एक पेशेंट है जो कि कुछ नर्व्स डिसऑर्डर से गुजर रहा है लेकिन उसका कोई भी फिजिकल काज नहीं है। इट मीन्स उसका जो है कोई मेंटल काज होगा। ठीक, तो सिगमंड फ्रेड यही बताना चाहते हैं कि फ्रेड प्रपोज दैट देयर इज एन अनकॉन्सियस माइंड इन टू विच वी पुश और रिप्रेस ऑल ऑफ आवर थ्रेटिंग अर्ग्स एंड डिजायर्स। फ्रेड यही करना चाहते कहना चाहते हैं इस चीज़ से कि हमारे माइंड में एक हमारे अनकॉन्सियस पार्ट है जहाँ पे हम अपने डिजायर और थ्रेट को जो है पुश करते हैं, रिप्रेस करते हैं, विच क्रिएट ए मेंटल कॉज। ठीक, तो फ्रेड की साइकोएनालिसिस यही है कि एक थियरी है जिसमें हम अनकॉन्सियस माइंड के बारे में जानते हैं जिसमें कि हम अपने डिजायर और थ्रेटिंग अर्ग्स को जो है पुश करते हैं, रिप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है एक मेंटल काज डेवलप होता है जिसकी हमें थेरेपी करनी चाहिए, जिसका हम थेरेपी करते हैं। थेरेपी क्या होता है? बेसिकली एक ट्रेनिंग, एक प्रोसेस के द्वारा जो है किसी भी डिसऑर्डर या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर को जो है सॉल्व किया जाता है। ओके, एंड ही बिलीव दैट दीज रिप्रेस्ड अर्ग इन ट्राइंग टू सफर क्रिएट नर्व्स डिसऑर्डर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो रिप्रेस्ड अर्ग्स होते हैं वह क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम, एबनॉर्मल प्रॉब्लम। एबनॉर्मल प्रॉब्लम मीन्स वही नर्व्स डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर, ओके, फोबिया, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, फ्रेड स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। ठीक, फ्रेड जो है काफ़ी स्ट्रेस करते हैं कि ये चीज़ें डेवलप क्यों होती हैं, क्योंकि हमारी चाइल्डहुड की जो एक्सपीरियंसेस होती हैं इस बेस पर। ठीक, हमें चाइल्डहुड से ही चीज़ों को हमें बताया जाता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा जो है चूहा देखता है या फिर शेर देखता है या फिर कोई भी जानवर एनिमल देखता है, तो अगर समवन किसी ने बताया उसको कि मत जाओ वहाँ पे, एक काट लेगा, या फिर डरो उससे, मीन्स हम लोग उसे सिखाते हैं चाइल्डहुड में। दैट्स वाई दीज फोबिया एंड दीज काइंड ऑफ एबनॉर्मल थिंग्स डेवलप इन चाइल्ड विच लीड टू द मेंटल प्रॉब्लम। ओके, तो दिस इज यही जो है कहा जा रहा है सिगमंड फ्रेड द्वारा। ठीक, चलिए बात करते हैं बिहेवियरिज्म की। बिहेवियरिज्म क्या है? द साइंस ऑफ बिहेवियर दैट फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ओनली। ठीक, बिहेवियर का वह साइंस जिसका फोकस जो है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर होता है। मीन्स हम किसी भी लिखी पढ़ी हुई बातों पे नहीं विश्वास करेंगे, किसी भी बिहेवियर पे नहीं विश्वास करेंगे। जो हम ऑब्जर्व करेंगे, जो हम डायरेक्टली देखेंगे, डायरेक्टली मेजर करेंगे, हम उसी बिहेवियर पे जो यकीन करेंगे, उसी पे फोकस करके हम काम करेंगे। दैट इज बिहेवियरिज्म। ओके, प्रपोज बाय जॉन बी वाटसन द्वारा प्रपोज किया गया बिहेवियरिज्म को। ओके, बेस्ड मच फ्रॉम वर्क ऑफ इवन पेवलो के वर्क में ज़्यादा बेस है ये। हु डेमोन्स्ट्रेट दैट द रिफ्लेक्स कुड बी कंडीशन, मीन्स हम सीखते हैं। इवन पेवलो की थियरी है, ठीक, क्लासिकल कंडीशनिंग, और जिसमें जो है हम लर्निंग से रिलेटेड, मीन्स कि कोई भी बिहेवियर जो है वह सीखा जाता है, इस पर बेस्ड है यह बिहेवियरिज्म। ओके, वाटसन बिलीव दैट फोबिया वॉज लर्न। वाटसन यही कहते हैं कि जो फोबिया होता है वो सीखा जाता है। जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि हमें सिखाया जाता है बचपन से कि फियर, रैट्स रैट से डरो, इस एनिमल से डरो, उस एनिमल से डरो, तो दैट क्रिएट ए मेंटल प्रोसेस। ठीक, वो लर्निंग डेवलप हो जाती है वहाँ पे, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। आगे हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं सेवन मॉडर्न पर्सपेक्टिव के बारे में। अभी तक हमने जो है कुछ आगे की पुरानी कुछ पर्सपेक्टिव हमने देखी जो 19th century में डेवलप हुई। अभी हम 20th century के बाद की जो चीज़ें हैं उसे हम देखेंगे, मॉडर्न पर्सपेक्टिव जो है। साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव, जो कि मॉडर्न वर्जन ऑफ साइकोएनालिसिस है। साइकोएनालिसिस जो हमने पढ़ा उसका एक मॉडर्न वर्जन है साइकोडायनेमिक्स पर्सपेक्टिव। ओके, मोर फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ एंड डिस्कवरी ऑफ अदर मोटिवेशन बिहाइंड पर्सन बिहेवियर देन सेक्सुअल मोटिवेशन। ठीक, इसका मोर फोकस है डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ, खुद की सेल्फ रियलाइजेशन में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में इसका मोर फोकस है, एंड डिस्कवरी ऑफ अदर मोटिवेशन बिहाइंड पर्सन। ठीक, हमें किसी पर्सन के बिहेवियर के मोटिवेशंस के डिस्कवरी से ज़्यादा सेक्सुअल मोटिवेशन पे जो है फोकस है, सेक्सुअल डिजायर पे जो है फोकस है। ओके, एंड सेकेंड है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव जो है बीएफ स्किनर द्वारा स्टडी किया, जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ वॉलेंट्री बिहेवियर है। ऑपरेंट कंडीशनिंग आगे हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ। ओके, तो जो कि डेवलप किया गया बीएफ स्किनर द्वारा। ये सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने, इसलिए मैंने आप इसको जो है काफ़ी शॉर्ट में बता रहा हूँ। ओके, बिहेवियरिज्म बिकम ए मेजर फोर्स इन 20th century। बिहेवियरिज्म का जो है काफ़ी ज़्यादा फोर्स रहा है, काफ़ी ज़्यादा
चर्चित रहा है 20वीं सेंचुरी में, जैसे हमको पहले बताया। स्किनर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफोर्समेंट टू बिहेवियरिज्म। स्किनर ने इंट्रोड्यूस किया रेनफोर्समेंट बिहेवियरिज्म में, मीन्स किसी को बिहेवियर को हमें कम ज़्यादा करना है तो रेनफोर्समेंट के बेसिस पे हम कर सकते हैं। ओके एंड नेक्स्ट ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव क्या है? उज फॉर मोर टू द अर्ली रूट ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी। यह एक अर्ली रूट है साइकोलॉजी का जो कि फिलोसफी के फील्ड से लिया गया है। ह्यूमनिस्टिक हेल्प द व्यू दैट पीपुल हैव फ्री विल, ठीक, द फ्रीडम टू चूज देयर ओन डेस्टिनी। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यह बोलता है कि लोग फ्री हैं, लोगों के पास स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, और अपनी डेस्टिनी को खुद चूज करने के लिए फ्रीडम है। तो बेसिकली ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव जो है वह फिलोसफी के फील्ड से लिया गया है, उसका जो है शुरू का रूट्स जो है वहीं से है। इसमें बेसिकली लोगों के अपनी डेस्टिनी चूज करने के फ्रीडम के बारे में बात हुई है। ठीक, अर्ली फाउंडर इसके रहे हैं अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स। इम्फेसाइज द ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन पोटेंशियल को इम्फेसाइज किया गया है, द एबिलिटी ऑफ ईच पर्सन टू बिकम द बेस्ट पर्सन ही और शी कुड बी। जैसे कि मैंने बताया कि अब फ्रीडम है लोगों को अपनी ओन डेस्टिनी चूज करने की, इसका मतलब कि लोगों की एबिलिटी के अनुसार अपने एक हर एक पर्सन की जो फ्रीडम है कि वो एक बेस्ट पर्सन बन सकता है अगर उसके पास विल पावर है और उसके पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बेसिस पे कुछ अचीव कर सकता है। अचीविंग वन फुल पोटेंशियल और एक्चुअल सेल्फ, अपने आप को अपने सेल्फ के रियल पोटेंशियल को पाने के लिए वो फ्रीडम है, उसके पास पूरा फ्रीडम है, फ्री है वो। दैट इज ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव। ओके नेक्स्ट बायोसाइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव। बायोसाइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव क्या बोलता है? एट्रीब्यूट्स ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर टू बायोलॉजिकल इवेंट्स। ह्यूमन और जो एनिमल बिहेवियर है उसको बायोलॉजिकल इवेंट्स पे जो है फोकस किया गया है, ठीक, जो जो कि हमारे बॉडी में ऑगर करते हैं, जैसे कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस, हार्मोन्स और एक्टिविटी ऑफ नर्व सिस्टम। ये जो हमारे इसमें बेसिकली जो ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर है, ठीक, उसका जो है बायोलॉजिकल इवेंट्स पे ज़्यादा फोकस है कि बायोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से सारी चीज़ें होती हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक एंड फिफ्थ कॉग्निटिव परस्पेक्टिव, फोकस ऑन मेमोरी, इंटेलिजेंट परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग। कॉग्निटिव परस्पेक्टिव ये होता है जिसमें जिसका फोकस जो है मेमोरी पे होता है, ठीक, इंटेलिजेंस पे होता है, परसेप्शन पे होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, मीन्स हाउ यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, एंड लर्निंग पे होता है। ओके एंड सिक्स सोशियो कल्चर परस्पेक्टिव, जिसका फोकस होता है हमारे सोशल बिहेवियर और कल्चर से, ठीक, मीन्स कल्चर का काफ़ी इफेक्ट रहता है हमारे बिहेवियर पे, वो हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। सिसरेली बुक मैं प्रेफर करूँगा इसके लिए, जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इसके लिए साइकोलॉजी के लिए, आप सिसरेली बुक को पढ़िए, उसमें कल्चरल एस्पेक्ट्स दिए गए हैं काफ़ी सोशियो कल्चर परस्पेक्टिव में, जिसका फोकस होता है सोशल बिहेवियर एंड कल्चर। जैसे कि आपका जैसा कल्चर है, लेट्स थिंक कि आपका कल्चर है कि आपका कल्चर ऐसा है कुछ कि नॉन वेज रहते हैं, या फिर आपका कल्चर ऐसे है कि वेज रहते हैं, तो आपका बिहेवियर भी वैसे डेवलप होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके एंड सेवंथ इवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव, जिसका फोकस होता है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ यूनिवर्सल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल ह्यूमन शेयर। इसका मेन फोकस होता है बायोलॉजिकल बेस ऑफ यूनिवर्सल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो कि हर एक इंसान शेयर करता है। ओके लुक एट वे द माइंड वर्क एंड व्हाई इट वर्क एज इट डू। ओके एंड बिहेवियर इज सीम एज हैविंग एन एडाप्टिव एंड सर्वाइवल वैल्यू। ठीक, बिहेवियर को हम ऐसे देख सकते हैं कि एडाप्ट कैसे करते हैं और सर्वाइवल वैल्यू के बेसिस पे। ओके टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, मीन्स साइकोलॉजी के फील्ड में जो प्रोफेशनल्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहला है साइकेट्रिस्ट, जो कि आपने नाम सुना होगा, यह एक मेडिकल डॉक्टर हु हैव स्पेशलाइज इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये एक मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में के ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के लिए जो है स्पेशलाइज होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें हम साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। फिर आते हैं साइको एनालिस्ट, आइदर ए साइकेट्रिस्ट और ए साइकोलॉजिस्ट हु हैव स्पेशल ट्रेनिंग इन द थियोरी ऑफ सिगमंड फ्रेड एंड हिज मेंटल ऑफ साइकोलॉजिस। सिगमंड फ्रेड की थियोरीज में और मेथड ऑफ साइकोलॉजिस में जो है साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बाद जो है स्पेशल ट्रेनिंग इन्हीं को दी जाती है, जो होते हैं कि साइको एनालिस्ट। ओके एंड साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर, ए सोशल वर्कर विच सम ट्रेनिंग इन थेरेपी मेथड। कोई सोशल वर्कर ऐसा है जिसको जो है ट्रेनिंग दी गई है ओके थेरेपी मेथड में, जिसका फोकस होता है एनवायरमेंटल कंडीशन दैट कैन इम्पैक्ट आवर मेंटल हेल्थ, मेंटल डिसऑर्डर सच एज पॉवर्टी, ओवर क्राउडिंग, स्ट्रेस, ड्रग अब्यूज, इन सब पे अवेयर करने के लिए जो है एक बेसिक उनको ट्रेनिंग दी जाती है थेरेपी मेथड पे, और ताकि ये सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन के इम्पैक्ट को जो है वो अवेयर कर सकें लोगों को, एक सोशल वर्कर के रूप में। तो उन्हें बोलते हैं साइकेट्रिक
सोशल वर्कर। ओके, नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट, जो कि आपने सबसे ज्यादा सुना होगा, ए प्रोफेशनल विच एन एकेडमिक डिग्री एंड स्पेशलाइज ट्रेनिंग इन इन वन और मोर एरिया ऑफ साइकोलॉजी। ये एक प्रोफेशनल जो होते हैं जिनके पास एक एकेडमिक डिग्री होती है, जो कि स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लिए रहते हैं एक या एक से ज्यादा साइकोलॉजी के फील्ड में। कैन डू काउंसलिंग, जो कि काउंसलिंग कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ठीक, स्पेशलाइज होते हैं एक या एक से ज्यादा नंबर ऑफ एरिया में साइकोलॉजी के। एरिया ऑफ स्पेशलाइज इन साइकोलॉजी इंक्लूड, स्पेशलाइज साइकोलॉजी में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे क्लिनिकल काउंसलिंग, डेवलपमेंटल, सोशल एंड पर्सनालिटी एंड एमंग देम एमंग अदर। ओके, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, और जिनकी भी जरूरत है साइकोलॉजी से रिलेटेड उनके पास ये वीडियो शेयर करिए, ताकि लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।